खुशामदीद मीरान। खुशामदीद मेरे शेर। खुशामदीद मीरान भाई। शुक्रिया। तुम्हारे अकेले होने से ये साबित है कि जो कुछ सुनने में आ रहा है वो सच है। क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो कोनल? मुझे गार्ड्स ने बताया है आजाद और रियान शादी कर रहे हैं। खैर मुझे पहले यकीन तो नहीं आया, लेकिन जब तुम्हें ऐसे देखा तो। ये गार्ड्स होते कौन है इस बारे में बात करने वाले? बेकार की बात। तुमने कहा उसे घर लाने को ले आई, लेकिन अहम बात यह है कि उसको प्यार की जबान से घर में अपने साथ रखो, लेकिन तुम्हारी जबान के आगे आने वाला भी वापस चला जाए। शाबाश कोनल, शाबाश। क्या हुआ है तुम्हें? क्या हालत बना रखी है? उस लड़की की शादी की वजह से तुमने ये हालत? दादी जान, बताएं मुझे, मेरे अम्मी अबू आपस में कैसे मिले, कैसे शादी हुई इन दोनों की? ये कैसा सवाल है? कहां से तुम्हारे जहन में आया? मुझे उस रात के अलावा कुछ और भी बताएं। मैंने आज तक सिर्फ उस रात की कहानी सुनी और कुछ नहीं। जैसे कि क्या मेरे अम्मी अबू आपस में एक दूसरे से प्यार करते थे? कैसे शादी हुई उनकी, कैसे जिंदगी गुजारी? तुम्हारे मां बाप के दरमियान बहुत प्यार और मोहब्बत था, और शाहदलों के कातिल बनने की वजह भी उनकी यही मोहब्बत थी। उसने तुम्हारी मां को बेइज्जत करना चाहा, और यही उन दोनों की मौत का सबब बना। अब बताओ मुझे कि तुम्हारे जहन में इतना जहर क्यों भर गया? क्या सारी सच्चाई यही है? सच्चाई को कहानियों की तरह सुनाया जाता है मेरे बच्चे, और जो कहानी तुमने बचपन में सुनी है वो असलान बे खानदान की बिल्कुल सच्ची कहानी है। अभी बहुत कुछ तुम्हें जानना है। क्या तुम्हें अपनी दादी पे भरोसा नहीं रहा? बताओ तुम्हारा ये हाल किसने किया? किसने तुम्हें मेरे सामने लाके खड़ा किया है? खिजर शाह दोलो। आज मैं अम्मी की कब्र पर गया था। खिजर शाह दोलो भी वहां पर था। जब मैंने उसको अम्मी की कब्र के सामने उनसे बातें करते देखा तो मेरा खून खौल उठा कि उसकी जान ले लूं मैं उसी वक्त। और मैंने गल निकाल ली उसको मारने के लिए, उसकी जान लेने के लिए। दादी जान, मेरा दिमाग फट रहा है। वो कहता है कि बेशक मैं उसकी जान ले लूं, लेकिन उसने मेरी मां से मोहब्बत के सिवा और कुछ नहीं किया। और कहता है कि मैंने उन्हें नहीं मारा। अच्छा तो तुम उस बदबख्त की बात सुनकर मुझसे हिसाब लेने आए हो? हाँ, शादलों वाले ऐसे ही हैं। वो इंसान के जिस्म में नशे की तरह दाखिल होकर जहन पर सवार हो जाते। बदबख्त है वो सारा खानदान। समझाया भी था कि उनकी बातों में नहीं आना। तो लेकिन तुमने उस लड़की को अपने दिल में जगह दी, ये तुम्हारा कसूर है।
उसका पीछा किया, अपनी जान खतरे में डाल दी। उसने तुम पर गोली चलाई और तो और उसको यहां इस हवेली में ले आया और उसको अपने सर का ताज बना लिया। लेकिन उसने क्या किया? तुम्हारे लिए एक जाल तैयार किया, पहले तुम्हारा एतमाद जीता, फिर उसी जगह छुरा घोंप दिया और भाग गई अपने आशिक के साथ। खामोश, खामोश हो जाए। मैं चुप नहीं रहूंगी। उसने तुम्हारे लिए जाल तैयार किया, तुम्हारी रूह खींच कर तुम्हारे हाथ में दे दी उसने। तुम्हें सांस लेने में मुश्किल हो रही है ना? हर सांस बोझ लगती है तुम्हें, और जब सांस लेते हो तो लगता है कि आग और भड़क रही है ना? खामोश, खामोश। तुम मत करो अब ये सब। उस लड़की ने अपना इंतकाम ले लिया और उसका बाप आके तुम्हें कंफ्यूज कर गया। वो लड़की और उसका बाप इतने भी मासूम नहीं जितना तुम उन्हें समझ रहे हो मीरान। तुम उसके लिए मौत के मुंह में चले गए और उसने तुम्हें कैसे मारने की कोशिश की? अपनी हालत तो जरा देखो, दुश्मन की बातों में आकर अपने मकसद को ही फरामोश कर बैठे। इतनी जल्दी भूल गए तुम्हारे माँ बाप और असलान बे खानदान के साथ क्या किया उन्होंने? हमारे लिए ये मामला भी खत्म नहीं हुआ, बहुत से हिसाब चुकाना है। क्या भूल गए तुम? मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ दादी, ना ही मैंने किसी को माफ किया ना करूंगा। वो सब शादुलो वाले मेरे दुश्मन हैं और रहेंगे। तुम जानते हो वो लड़की जिसके लिए तुमने सब कुछ किया लेकिन तुम्हें फिर भी छोड़कर चली गई, वो और उसका बाप तुम्हारा दुश्मन है। तुम तो शायद भूल गए हो लेकिन उन्होंने तुम्हें याद करा दिया है कि वो तुम्हारे दुश्मन है। हरगिज तुम्हारी आंखें दुश्मनों के धोखे में, मुझे हरगिज आइंदा ऐसी निगाहों से मत देखना, खबरदार। मैंने तुमसे नहीं कहा था कि वो लोग सबसे पहले तुम्हारे दिल की नरमी से फायदा उठाने की कोशिश करेंगे? तुम्हें अपनी आंखें बंद, दिल पत्थर और आसाब मजबूत करना होंगे। तुम अगले जहां में अपनी माँ को सबका कैसे हिसाब दोगे? मैंने तुम्हें नहीं बताया था? मैंने तुम्हें हजार दफा ये सब कुछ बताया था, बताओ क्या नहीं समझाया था तुम्हें? समझाया था दादी, समझाया था बिल्कुल। वो दिन आज ही का तो दिन था, उस दिन का हिसाब आज पूरा करना था। उस बेरहम शादुलू वालों पे तुम्हें कोई रहम नहीं खाना था। उस सांप की बेटी ने तुम्हारा दिल और खुद उससे तुम्हारा जहन काबू में कर लिया है, तुम्हें सामने ला खड़ा किया ताकि हिसाब ले सको मुझसे। आह दिलशाह, आह तुम्हारे बेटे की उसके दुश्मनों से मोहब्बत तुम्हें कब्र में भी चैन से नहीं रहने देगी। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। ना ही मैंने अपने दुश्मन को माफ किया है और ना मैंने अपनी माँ को कब्र में शर्मिंदा किया है। बस कर दे, बस कर दे प्लीज।